हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो जो होने वाली है वो है क्लासेस को लेकर, जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस है उसको लेकर कुछ आपके सवाल है जिनके मैं आज जवाब दूंगा। कई सारे कमेंट्स आए इसको लेकर, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए और इतने कमेंट्स है आप विश्वास नहीं करोगे, सारे सेम सवाल थे, सारे सेम कमेंट थे। सर, मुझे BA प्रोग्राम की ऑफलाइन क्लासेस का मैसेज नहीं आया। सर, मेरा कॉलेज दूर आया है, क्या मैं अपने दोस्त के कॉलेज जा सकता हूँ? सर, मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस का मैसेज आया है, क्या मेरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी? तो यही सारे सवाल आज हम इन्हीं के जवाब ढूंढने की तलाश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो BA प्रोग्राम की बात शुरू करने से पहले ज़रा मैं उन स्टूडेंट को बता दूँ जो कि BA प्रोग्राम से बिलोंग नहीं करते, जो कि बिलोंग करते हैं BCom प्रोग्राम, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BCom ऑनर्स। BA प्रोग्राम को छोड़ के जो चार कोर्सेज, जो पांच कोर्सेज है, ठीक है। तो क्योंकि उनको भी मैसेज नहीं आया ऑफलाइन क्लासेस, क्या आपकी क्लासेस अभी भी हो रही है? यस, आपकी क्लासेस हो रही है संडे संडे। कहाँ हो रही है? पहले सेंटर की लिस्ट आप देख लीजिए, फिर मैं BA प्रोग्राम को लेकर भी बात करूँगा। तो ये है BA प्रोग्राम को छोड़कर जो और कोर्सेज हैं सोल के अंदर, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास हो, देखिए आपके सामने लिस्ट है पूरी, आप चेक कर लीजिए। आप जिस जिसमें एलिजिबल हो आप वहाँ जाके अपनी क्लास उस कॉलेज में ले सकते हो BA प्रोग्राम को छोड़कर, क्योंकि BA प्रोग्राम की लिस्ट नहीं आई है, ठीक है। देख लीजिए, आपके सामने लिस्ट दिखा रहा हूँ और 25 दिसंबर से आपकी क्लासेस चल रही है, संडे संडे आपकी क्लासेस कंडक्ट हो रही है। आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो, जो भी कॉलेज आपको सब्जेक्ट और आपके जेंडर को सपोर्ट करता है, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए, अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ BA प्रोग्राम की। अब देखिए, हुआ ये है कि BA प्रोग्राम वालों की जो ऑफलाइन क्लासेस है, जैसे कि मैंने पहले भी अपडेट दिया था, 15 जनवरी यानी कल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, जिसको लेकर आपको मैसेज यानी एक SMS आ गया होगा, मोस्टली स्टूडेंट के पास आ गया। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास SMS नहीं आया है। इसका जो कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको SMS प्राप्त नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज़, सर मुझे मैसेज नहीं आया, मेरे पास SMS नहीं आया है, मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस का मैसेज आया है और ऑफलाइन का मैसेज नहीं आया। तो पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस को डिस्कस कर दूं, जो ऑनलाइन का नया जो मैसेज SMS आपको आया हुआ है वो है क्या, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं BA प्रोग्राम को लेकर बात करूंगा। तो देखिए, ये एक SMS आ रखा है मोस्टली स्टूडेंट के पास, जिसमें बता रखा है कि आपकी ऑनलाइन अकेडमिक काउंसलिंग यानी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, AC, SAT और BAC। अब ये है क्या, 14 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, एवरी सैटरडे आपकी क्लासेस ऑनलाइन होगी, ये लिंक भी उन्होंने दे दिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर ये AC, SAT, BAC है क्या? तो पहले वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अब हुआ ये है कि आपके टोटल 60 सब्जेक्ट है, मतलब 6 से 7 आपके सब्जेक्ट है ऑल कोर्सेज में। तो जो आपके डिसिप्लिन, जो मेजर जो सब्जेक्ट है उनकी जो क्लासेस आपकी हो रही है उन सब्जेक्ट की, वो ऑफलाइन हो रही है संडे, और बाकी जो सब्जेक्ट है आपके AEC, SAT, जैनिक इलेक्टिव का इसमें ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि वो चेंज भी हो रहा है ना इसलिए, और BAC। अब ये है कौन कौन से सब्जेक्ट वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, ये वाले, इसमें से आपने एक एक चूज़ किया होगा, जैसे AC में से आपका EBS इन्वायरमेंटल साइंस कंपलसरी है, और SAT में से आपने एक चूज़ किया होगा, इनकी हो रही है ये सारी क्लासेस आपकी ऑल कोर्सेज की ऑनलाइन हो रही है, यानी इसके लिए आपको सैटरडे को कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए वीडियो बनाई गई, BA प्रोग्राम की, सर मुझे BA प्रोग्राम की क्लासेस का मैसेज नहीं आया है, अब मैं क्लासेस कैसे लूँ? अब देखिए, पहली चीज़, हम लिस्ट का वेट कर रहे थे कि ऑनलाइन सोल की साइड पे BA प्रोग्राम की जो सेंटर की वो लिस्ट अपलोड हो जाए, बट अभी तक जो मेरा अपडेट है अभी तक कोई लिस्ट अपलोड नहीं की गई है। टोटल जो आपकी क्लासेस हो रही है वो 15 से 20 सेंटर्स पे हो रही है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस है उनमें आपकी BA प्रोग्राम की क्लासेस हो रही है, प्लस और कोर्सेज की भी क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है BCom वगैरह की, जो कि मैंने इससे पहले आपको दिखाया था लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब जिनके पास मैसेज नहीं आया है वो क्लासेस कैसे ले? देखिए, आप एक काम कर सकते हो, जिनके पास मैसेज नहीं आया है, आप अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर उसके पास ही सेम वही सब्जेक्ट है जो आपके पास है डिसिप्लिन के अंदर, तो आप उस कॉलेज में जाके इस क्लास ले सकते हो। बस ये देख लेना वो आपकी फ्रेंड, जैसे आप मेल हो तो आपका फ्रेंड भी मेल होना चाहिए,
ऐसा ना हो आप गर्ल्स की कॉलेज में चले जाओ। अब पता क्या चलेगा इसको लेकर हमने ये कोशिश की है, आप एक काम करना, इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में जिन जिन को मैसेज आ गया है उस मैसेज को आप पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, आप बता दो मेरा सेंटर ये है सर, मेरा सब्जेक्ट ये है और मेरी क्लासेस इस कॉलेज में हो रही है। इससे क्या होगा जिनको मैसेज नहीं आया है, अगर वो कॉलेज उनके पास पड़ता है तो वहाँ जाके वो जो क्लासेस है वो अटेंड कर सकते हैं बीए प्रोग्राम की। पहली चीज़ मैसेज आए या ना आए बट क्लासेस आपकी शुरू हो रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप पूछो सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कॉलेज कौन सा है, तो देखिए अब पता तो कैसे चलेगा, वो तो पता लिस्ट से चलता है या मैसेज से चलता, एसएमएस तो आया है नहीं। अगर आपके दोस्त को एसएमएस आ गया है तो भाई एक काम करो आप अपने दोस्त वाले कॉलेज में अटेंड कर लो, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ आपसे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। क्योंकि अगर सेंटर लिस्ट आ जाती तो मैं आपको बता देता, बट सेंटर लिस्ट आई नहीं है तो आप एक काम कीजिए, अगर आपका कोई फ्रेंड है या आप एक काम कीजिए आप इसी वीडियो के नीचे अपना सेंटर और अपने सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए कि मेरी जो क्लासेस है पंकल से इस कॉलेज में स्टार्ट हो रही है। इससे क्या होगा जिनको मैसेज नहीं आया है वो भी उस कॉलेज में जाके क्लास ले सकते हो। क्या मैं क्लास ले सकता हूँ मुझे एसएमएस नहीं आया, यस बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि सोल ने ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया कि जिनको एसएमएस नहीं आएगा वो क्लासेस नहीं ले सकते। क्लासेस कल बीए प्रोग्राम की ऑलमोस्ट सबकी शुरू होने वाली है। कभी कभार क्या होता है नंबर खो जाने की वजह से या नेटवर्क इशू की वजह से आपको मैसेज रिसीव नहीं होता है, ठीक है, तो वो उनका टेक्निकल फॉल्ट है, बट कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कल के बाद सेंटर की लिस्ट अपलोड हो जाए क्योंकि इनका लेट काम होता है, ठीक है। तो ये आप काम कर दीजिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, आप औरों की भी मदद कर दोगे क्योंकि मुझे उन 20 सेंटर्स के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा कि कहाँ कोएड हो रही है, कहाँ गर्ल्स की हो रही है, कहाँ बॉयज़ की हो रही है। तो इतनी आप हेल्प कर दीजिए, मेरी भी कर दीजिए और स्टूडेंट की भी कर दीजिए। आप इस कमेंट बॉक्स से नीचे जिन इनको मैसेज आ गया है बीए प्रोग्राम के लिए ऑफलाइन क्लासेस का, वो आप मैसेज डाल दीजिए मेरा सेंटर ये, मेरे सब्जेक्ट ये है। इससे क्या होगा जिनको मैसेज नहीं आएगा, नहीं आया हुआ है, वो आपके उस कमेंट देख लेंगे और उसी कॉलेज में क्लास अटेंड कर लेंगे। ये तो पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, आप अपना आईडी कार्ड ले जाना और एक रजिस्टर रख के ले जाना। पढ़ना क्या है नहीं पढ़ना वो आपको कल ही पता चलेगा, ठीक है। तीसरा सवाल जो स्टूडेंट पूछते हैं, सर मेरा सेंटर बहुत दूर है, क्या मैं अपने फ्रेंड के सेंटर में जा सकती हूँ? तो देखिए मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपकी फ्रेंड ये सब्जेक्ट आपकी सब्जेक्ट से मैच करते हैं तो आप चले जाना। मान के चलिए आपने ले रखा है पॉलिटिकल साइंस और आपकी फ्रेंड ने ले रखा है हिस्ट्री, तो आप जाओगे हिस्ट्री वाले कॉलेज में तो वहाँ तो आपको पॉलिटिकल पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लेना, सब्जेक्ट देख लेना, ठीक है। बाकी तो लेने को ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उस एसएमएस में आपका कोई भी नाम नहीं आया है। बट हाँ एक दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, मान के चलिए मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। मान के चलिए सोल ने सबको एसएमएस भेजा, जाते स्टूडेंट को एसएमएस भेजा, जिनको नहीं भेजा वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। अब मान के चलिए यहाँ पे 4 स्टूडेंट रहते हैं इस कॉलेज के पास और यहाँ जो स्टूडेंट रहते हैं वहाँ 2 स्टूडेंट रहते हैं। अब होगा क्या कि ये जो कॉलेज है नंबर 1 कॉलेज, ये इन 2 स्टूडेंट से काफ़ी दूर पड़ रहा है और ये जो नंबर 2 कॉलेज है ये इन स्टूडेंट से काफ़ी पास पड़ रहा है, तो जो पास के कॉलेज होंगे वो जल्दी भर जाएंगे। ऐसी कंडीशन में होगा क्लासेस में बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी, आप खुद भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो जिनको मैसेज आ गया है मैं तो यही कहूँगा आप अपने ही कॉलेज में जाओ। जिनको मैसेज नहीं आया, जिनको एसएमएस नहीं आया, उनकी मजबूरी है कि वो अपने फ्रेंड के कॉलेज में जाएंगे। बट जिनको एसएमएस आ गया है आप कोशिश कीजिए कि अपने कॉलेज में ही जाइए, बट किसी कारण आपको लगता है कि बहुत दूर है मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो आप किसी भी अपने नियरेस्ट कॉलेज जहां पे बीए प्रोग्राम की क्लासेस चल रही है, आपके फ्रेंड को मैसेज आ गया है वहाँ अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। क्योंकि अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन कौन से कॉलेजेस है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, 15 से 20 सेंटर्स बनाए गए हैं जिनको लेकर मैसेज भेज दिया गया है बट अभी तक लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आप काम कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा जिससे हेल्प हो जाएगी। और बाकी सारे सवाल के जो जवाब मैंने आपको दे दिए, क्लासेस कंपलसरी नहीं है, क्लासेस संडे आपकी हो रही है डिसिप्लिन की ऑल सब्जेक्ट की और आपकी जो सैट बैक और एसी की जो सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन हो रही है सैटरडे जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पर ले सकते हो ऑल सेमेस्टर के स्टूडेंट। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक